आप सभी का स्वागत है मैं नए ब्लॉग में, जिसमें आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ धाय दे माँ की डोली यात्रा। तो आप लोगों को मैं दिखा दूँ, यात्रा थी हमारी शुरू हुई थी शक्तिखंड 2 से, सेंट्रल पार्क से। तो अब ये हमारी हो चुकी है मानसरोवर भवन आ चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय चौहान जी और सम्मानित मंच, समस्त मातृ शक्ति कीर्तन मंडली और माँ भगवती के सम्मानित भक्त। चौदह जनवरी, 15, 16 और आज 17 जनवरी तक माँ भगवती जो है उत्तर प्रदेश में भ्रमण करके ये मातृदा का विराम है। इसके बाद कल प्रातः विनोद नगर में माँ यहाँ से प्रस्थान करेगी और दिल्ली में विनोद नगर हो गया, बुराड़ी क्षेत्र हो गया, पुष्प विहार, साकेत और एमसीडी ढाका कॉलोनी, ये चार क्षेत्र है दिल्ली में हमारे पास। उसके बाद फरीदाबाद और फिर मध्य प्रदेश तक ये डोली यात्रा जाएगी। 26 जनवरी को माँ की डोली बसंत पंचमी के पावन स्थल पर नर्मदा जी में स्नान करेगी। उसके बाद वहाँ से वापस होकर 29 जनवरी को देव डोली का विराम होगा और ये देव डोली देहरादून से चलती, हमारा संकल्प है माँ के लिए लिया हुआ उत्तराखंड की देव संस्कृति का प्रचार प्रसार करना, आप सभी को अपनी देवी देवताओं से जोड़ के रखना, ये हमारी अहम भूमिका भी है और हमारा संकल्प हो जाएगी। आप सभी भक्तों से निवेदन है अधिक से अधिक संख्या में पहुंचे और माँ भगवती का दर्शन करें। माँ भगवती के द्वार पर लिखा है जो आए श्रद्धा लेकर वो पाए वरदान। बोलिए धारी देवी की, राजा भगवान की, समस्त मातृ शक्ति की, सभी भक्तजनों की, भद्रविशाल भगवान की। धन्यवाद चौहान जी। मानसरोवर भवन शक्तिखंड 4 में है, डीपीएस स्कूल के बगल में, तो आप सब लोग वहां पर चले मानसरोवर भवन पहुंचे और भंडारा भी यहां पर खुलवा दें। Thank you.
डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर। सर जुड़े हैं तो सर हमारी जो नॉन पहाड़ी लोग हैं जो दिल्ली उत्तराखंड गाजियाबाद जहाँ भी रहते हैं उनको सबसे पहले तो अपना नाम बताइए। मेरा नाम राजेंद्र चौहान है और मैं उत्तराखंड का संगीतकार हूँ। और सर हमने यहाँ पर देखा धारी देवी माँ की डोली गई है बहुत ही सुंदर तरीके से और बहुत ही शांति प्रिय से गई है, बहुत ही अच्छा लगा हमें। और आप लोगों ने जो मेहनत करी है वो हमें बहुत दिखी, तो आप इसमें क्या कुछ कहना चाहेंगे शब्द अपने तरफ से? मैं धारी देवी का आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ की सभी कीर्तन मंडलियों ने मिल करके उस कार्यक्रम में हिस्सा लिया और वहाँ पर न्यायखंड 2 सेंट्रल पार्क में भंडारे का भी आयोजन था। माँ भगवती के दर्शनों के लिए भी बहुत भीड़ वहाँ पर उमड़ पड़ी और रात्रि विश्राम कैलाश मानसरोवर भवन इंदिरापुरम में माँ भगवती का किया जा रहा है। सुबह यहाँ से फिर प्रस्थान अन्य जगहों के लिए जो डोली यात्रा है वो पूरे अभी 26 जनवरी पंचमी तक चलेगी और ये पंचमी तक अभी मध्य प्रदेश में भी जाने वाली है और मध्य प्रदेश से फिर पंचमी के दिन समापन होगा और उसके बाद फिर माँ भगवती का जो अभिनंदन है वो अपने स्थान पर होगा। बहुत ही सुंदर सर,
हम आए, हमने पूरा कवर किया, वहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी डोली का हर एक एक पल, हर एक एक समय ऐसा था कि ऐसा लग रहा था कि हम उत्तराखंड की तरफ चल रहे हैं, ऐसा नहीं था कि हम गाज़ियाबाद में। इतना सुंदर आपने काम करा है वहाँ पर, सब लोगों ने साथ मिलके, जितने पहाड़ी और नॉन पहाड़ीज भी जो इसके साथ ज्वाइनिंग में हुए, बहुत ही सुंदर था वो देख के। तो और हमने, आपने जैसे बताया वहाँ भंडारा, और भंडारा हमारे उत्तराखंड में अगर जब मेला लगता है, पूजा होती है और सब बैठ के खाते हैं, तो वो प्यार जो हमारा अलग दिखता है, वो तो बहुत ही सुंदर लगा हमें सर। तो यही है कि अब 26 जनवरी से पंचमी के दिवस के दिन 26 से 29 जनवरी तक स्वर्ण जयंती पार्क में बसंत मेले का आयोजन किया जा रहा है। जी सर। और बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर यह किया जा रहा है। 4 दिन यहाँ पर बसंत उत्सव रहेगा स्वर्ण जयंती पार्क इंदिरापुरम में। तो सभी के लिए यह संदेश है कि बसंत पंचमी के इस आयोजन में सभी लोग सम्मिलित हों और बसंत का आनंद लें। बहुत ही सुंदर सर, आपने इतना समय निकाला, हमसे बात करी, हमें बहुत अच्छा लगा, और थैंक यू सो मच सर, इतना टाइम दिया आपने, हमें मिले हैं। तो सबसे पहले भैया आपका शुक्रिया, आपने इतना समय निकाला हमसे बात करने के लिए। जी जी। तो एक बार हमारी ऑडियंस को अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम महेश नेगी है और मैं यहाँ पे सोशल वर्कर हूँ। और जितनी भी माँ भगवती धारी देवी की जो डोली है, इसका प्रायोजन हम लोगों ने यहाँ पे किया है। माँ भगवती की असीम कृपा से ये डोली आज दिव्य दर्शन हमें देखने को मिले हैं, ये हमारा सौभाग्य है। बहुत ही सुंदर, जो सर आपने जो डोली निकाली थी हमने देखी। जी जी। मतलब इतनी, जैसे कहते हैं लोग शोर होता है, पर हमारी जो माँ की डोली होती इतनी शांति से जाती थी, इतनी सुंदर की, मतलब ये हमें पता नहीं चला कि हम गाजियाबाद में निकाल रहे हैं कि अपने गाँव में निकाल रहे थे। देखिए, ये सब माँ भगवती की कृपा से ही होता, मेरा मानना ही है, क्योंकि हम तो मनुष्य है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, उसकी कृपा होती तो सर्व संसार जो एकजुट कर सकती माँ भगवती। और उसी एकता के लिए माँ भगवती, जैसे कि हम सब प्रवासी लोग उत्तराखंड के यहाँ पर हैं, तो इसीलिए दर्शन देने माँ भगवती स्वयं आई है कि हमारा भक्तों का, हमारे जो हमारी बहनी है उनका कल्याण, हमारे भाइयों का कल्याण कैसा हो, सबके घर में सुख शांति वैभव बना रहे, इसीलिए माँ भगवती अपना दर्शन दे रही हैं। और ये बहुत ही गर्व की बात है कि इस प्रकार के धर्म के प्रति लोग जो इस प्रकार का अभियान कर रहे हैं, ये वो लोग सचमुच में काबिल तारीफ है। और इसीलिए हमारा सनातन धर्म, हमारे देवी देवताओं, हमारे कुल देवता से भी देव देवताओं यो ही दर्शन होते रहे, और हमारे जो आने वाले जो बच्चे हैं इस संस्कृति, इस धरोहर, इस विरासत को आगे लेके जाए, तभी सनातन धर्म भी बचा रहेगा। बहुत ही सुंदर मैसेज दिया सर आपने, जैसे कि अभी हम और भी जगह को, जैसे हमारे वहाँ कौथिक लगा था, वो बहुत ही सुंदर था। जी, तो वहाँ देख के मुझे ये भी अच्छा लगा था उस टाइम पे कि मतलब छोटे छोटे जो बच्चे जी, हमारी बोली जानते नहीं है, वो यहाँ पर ट्राई करते हैं बोलने का कि अरे हम यहाँ हम भी बोलने का ट्राई करते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा, ये आप लोगों के कारण है कि आप इतना मेला करते हैं, इतना बड़ा महाकौथिक करते हैं आप लोग। जी जी जी। तो वहाँ से बच्चों को याद है कि हम सब बोलते हैं ये बोली, हम क्यों नहीं बोल सकते। बिल्कुल जरूरी है। देखो, एक जो मंच होता ना जी, जो एक मंच प्रदान करता है, वो अपनी बोली भाषा, अपने खाद्य पान, हमारे लोगों के पूर्वजों के क्या हम लोगों विरासत में था, क्या उनका पहनावा था, ये सब हम लोग जो इस मंच के माध्यम से बच्चे एडॉप्ट करते हैं। आजकल के बच्चे हमारी संस्कृति भूल गए थे, परंतु इस मंच के माध्यम से लोग बोली भाषा, जब सामने वाला एक अपनी गढ़वाली भाषा में या अपनी पहाड़ी भाषा में गाना गाता है, तो वो कहीं ना कहीं बच्चों के दिमाग में कहीं ना कहीं बैठता है कि ये क्या कह रहा है, उसके प्रति लोगों का आकर्षित होता है। आज जमाने के अंदर उसको परोसने की जरूरत है। इन्हीं भाषाओं को, जितनी भी हमारे भारत में जितने भी हमारे अलग अलग स्टेट अलग अलग भाषाएं हैं, उनको आम जनमानस तक, आम लोगों तक अपनी भाषा को बचा के रखना, ये हम सबकी जवाबदेही बनती है। इसीलिए इस प्रकार के आयोजन हर जगह होने चाहिए, हर मंच पे होनी चाहिए, और इसीलिए हमारी बोली भाषा, हमारा देश, ये संस्कृति, ये हमेशा बची रहेगी। बहुत ही सुंदर मैसेज सर आपकी साइड से, और आपका सर सभी में बहुत ज्यादा शुक्रिया, आपने इतना हमें समय दिया और हमारे ऑडियंस को इतना नॉलेज दिया आपने। तो हमारे में यही कहा जाता है कि आप हर किसी से नॉलेज लेकर चलिए और आगे इसको बढ़ाते चलिए, हमारी भाषा को, वेशभूषा को, खान पीन को। तो शुक्रिया सर, इतना टाइम दिया आपने। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो खासतौर से मीडिया वालों का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि आप चौथे स्तंभ हैं, और मैं ये चाहता हूँ कि देश और दुनिया के सामने जो आप संस्कृति को लेके जा रहे, दिखा रहे हैं, ये मेन आपका दायित्व भी बनता है, आपकी जिम्मेवारी भी बनती है, और जो आप कर रहे हैं आपको मेरा सैल्यूट है। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। Thank you.
जयेश चंद्र माथुर जी नीतिगंज वन से, और यहाँ ये कैलाश भवन चार में, ये डायरेक्टली हमारे जो गुरुजी हैं आचार्य राष्ट्रपति उदय कौशिक जी, ये 18-20 साल की तपस्या के बाद इस शिवलिंग को यहाँ लाए हैं, यहाँ स्थापित किया है आचार्य योगी जी ने, आदित्यनाथ योगी जी मुख्यमंत्री जी ने स्पेशल विशेष रूप से इनको अपॉइंट किया है यहाँ पर इस शिवलिंग शिवालय को स्थापित कर और इनकी देखरेख में जो भी प्रोग्राम होगा भविष्य में इसका विस्तार किया जाएगा वो सब इनकी देखरेख में होगा आचार्य उदय कौशिक जी की। और जैसे तपस्या करके इन्होंने 18 साल की वहाँ से कैलाश मानसरोवर से स्पेशल लाया गया है इसको, और इसके सारे जितने भी वहाँ पे देवी देवता थे उन सबको यहाँ पे स्थापित किया गया है। तो हम आ चुके हैं शक्तिखंड चार पे, तो मैं यहाँ पर अभी फिलहाल मार करेंगे विश्राम, तो अभी हम यहाँ से चलते हैं, फिर आप लोगों को अगली वीडियो में दिखाएंगे। अगर आप लोगों को मेरी वाली वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और सपोर्ट करिए।